So hey guys, welcome to the second part of the video series of disease malaria. And in the previous video, we have seen the most notorious sporozoan, the plasmodium, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा था कि plasmodium किस kingdom से belong करता है और कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी कि मलेरिया के पीछे इस प्लाज्मोडियम का हाथ है. और हमने बहुत सारी स्पीशीज़ देखी थी प्लाज्मोडियम की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए. सो लेट जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द सेम. अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक आपके पास में डायजेनेटिक पैरासाइट है. ये एक प्लाज्मोडियम कैसा होता है, ये एक डायजेनेटिक पैरासाइट है, जिसका सिंपल सा मतलब आपके पास में ये है कि इसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. यस, इसको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. रिमेंबर कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये हमेशा अपनी लाइफ एज अ पैरासाइट के रूप में बिताता है. एंड व्हाट इज़ अ पैरासाइट? पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंश्योर करता है फ्री का खाना और फ्री की सवारी. राइट, ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं या फिर ऊपर भी रह सकते हैं और ये हमारे शरीर से ही खाना खाते हैं और हमें ही बदले में बीमार करते हैं. दीज आर पैरासाइट्स. और पैरासाइट को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके दो होस्ट होते हैं, मतलब इसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से एक होस्ट इसका हम है, ह्यूमंस. और जो इसका दूसरा होस्ट है वो है आपके पास में एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यस. तो इसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से एक ह्यूमन होता है और दूसरी एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है. सो लेट जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द सेम. अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसके काफ़ी सारे वेराइटीज़ आते हैं. वेराइटी इन द सेंस लाइक कि इसके काफ़ी सारे रूप बदलते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इट्स लाइफ साइकिल. इसके बहुत सारे रूप बदलते रहते हैं. वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट इन डिटेल. बट इसका एक ऐसी वेराइटी है, इसका एक ऐसा रूप है, अगर वो मेरे शरीर के अंदर आएगा तभी मुझे कौन सी बीमारी हो पाएगी, मलेरिया हो पाएगा. राइट, इसलिए उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म. और इस प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है उसका नाम होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका नाम है स्पोरोजोइट्स. वी विल डेफिनेटली सी दैट कि ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पर होते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और आप इन स्पोरोजोइट्स को अच्छे से कहाँ पर ढूंढ पाते हैं. राइट, तो सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस नाउ कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक डायजेनेटिक पैरासाइट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है कि उसको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए. उसको ह्यूमन चाहिए होता है और एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो चाहिए होती है. और ये प्लाज्मोडियम अपनी ज़िंदगी बस किसके रूप में बिता सकता है? पैरासाइट के रूप में बिता सकता है. और इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो क्या होती है? आपके पास में स्पोरोजोइट्स होती है. अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, उनका फर्टिलाइजेशन करा सकता है और वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन करवा सकता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है एंड ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है. ये दोनों शो कर सकता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है. रिमेंबर कि आपके पास में किंगडम प्रोटिस्टा पहला ऐसा किंगडम है जहाँ पर आपको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मगर किंगडम मोनरा के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. वहाँ पर खाली नाम नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देयर ओनली सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड. राइट, तो किंगडम प्रोटिस्टा सबसे पहला ऐसा किंगडम होता है जिसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपके पास में? जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर उन गैमेट्स का फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन का हमेशा हमेशा रिजल्ट होता है एक डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर. ओके, तो
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, ऑलवेज रिमेंबर कि वो मॉस्किटो के गट के अंदर होता है, वो मॉस्किटो के अंदर होता है, वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर होता है। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो दोनों जगह पर देखने को मिलता है, वो आपको मॉस्किटो के अंदर भी देखने को मिलेगा और वो आपको ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलेगा, वो ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलेगा और वो आपको मॉस्किटो के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, ऑब्वियसली आप उसको क्या बोलते हो, मल्टीपल फिजन, हम उसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे। मगर इसी मल्टीपल फिजन को हम ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इसी मल्टीपल फिजन को वी विल कॉल दैट मल्टीपल फिजन एज शाइजोगोनी। एंड द सेम मल्टीपल फिजन इन केस ऑफ मॉस्किटो वी विल कॉल दैट स्पोरोगोनी। वेरी सिंपल। सो जो प्लाज्मोडियम होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो खाली किसके अंदर शो करता है, मॉस्किटो के अंदर शो करता है, मॉस्किटो के गट में फॉर द प्रिसाइज। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहाँ पर शो करता है, वो ह्यूमंस के अंदर भी शो कर सकता है और मॉस्किटो के अंदर भी शो कर सकता है। और इसका ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है आपके पास में, मल्टीपल फिजन। और उसी मल्टीपल फिजन को हम ह्यूमंस के अंदर क्या बोलेंगे, शाइजोगोनी, और हम उसी मल्टीपल फिजन को मॉस्किटो के अंदर क्या बोलेंगे, स्पोरोगोनी। वेरी वेरी सिंपल। सो लेट जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द सेम थिंग। और अब जो हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं, अब हम जो इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को देखने जा रहे हैं, वी विल कंप्लीट दैट लाइफ साइकिल इन टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वी विल सी दैट कि वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर क्या करता है। सो फर्स्ट वी विल सी दैट ह्यूमन साइकिल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉस्किटो साइकिल इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो in this particular part of this video, in the second part of the video series, we will see that ki ye jo plasmodium hota hai iski human ki cycle kya hoti hai. Remember plasmodium is a diagenetic parasite, to iske do host hote hain, hame dono ke andar dekhna padega ki dono ke andar chal kya raha hai. To sabse pehle hum kiske andar dekhenge, hum human ke andar dekhenge ki plasmodium human ke andar kya kar raha hai. Okay, let's just move forward with the same. Ab you are able to see over here is that कि mosquito ने किसी human को यहाँ पर bite किया है, and we are assuming that this mosquito इसके अंदर यहाँ पर इसके क्या होंगे, इसके अंदर यहाँ पर होंगे इसके salivary glands, right? इसके अंदर यहाँ पर इसके क्या होंगे, यहाँ पर होंगे salivary glands, और mosquito के salivary glands में आपको पाए जाएंगे यहाँ पर इसके अंदर द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज। और क्या है इसकी इन्फेक्शियस स्टेज, येस स्पोरोजोइट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है, स्पोरोजोइट होती है। और आप अगर स्पोरोजोइट को ढूंढना चाहते हैं कि स्पोरोजोइट आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो स्पोरोजोइट को ढूंढने की सबसे बेस्ट लोकेशन है आपके पास में कि आप मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड्स देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये मॉस्किटो आपके पास में किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को यहाँ पर बाइट कर रहा है, उस मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट ऑलरेडी प्रेजेंट है। वी विल डेफिनेटली सी दैट कि स्पोरोजोइट मॉस्किटो के अंदर कैसे आए जब हम मॉस्किटो साइकिल की तरफ में बढ़ेंगे। बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग द ह्यूमन साइकिल। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर इज वी आर डिस्कसिंग द ह्यूमन साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। यस, तो अब इस मॉस्किटो ने किसी ह्यूमन को यहाँ पर क्या किया है, बाइट किया है, और मॉस्किटो ने अपने बाइट के ज़रिए अपना सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर छोड़ दिया है। यू आर एबल टू सी दैट ओवर हेयर इज कि यहाँ पर इसने सलाइवा हमारे अंदर क्या कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है, और उस सलाइवा के साथ में इसने अपने क्या छोड़ दिए है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप छोड़ दिया है, स्पोरोजोइट्स को छोड़ दिया यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर, राइट। अब ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर आ चुके हैं, और ये स्पोरोजोइट्स कैसी शेप के होते हैं, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसी शेप के होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, रिमेंबर। तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और अब ये कहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ चुके हैं बाय द मॉस्किटो बाइट। अब ये क्या करते हैं स्पोरोजोइट, ये आपके ब्लड के अंदर विद इन हाफ एन आवर ये माइग्रेट करते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये लिवर के अंदर पहुँच जाते हैं। अब ये लिवर के अंदर चले जाएंगे बिकॉज दे नो कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक ब्लड के अंदर रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे मैक्रोफेजेस, हमारे WBC उनको किल कर देंगे,
सो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जैसे ही स्पोरोजोइड जो इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम का पहला रूप है ये, इन्फेक्शियस स्टेज है ये प्लाज्मोडियम की, इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड, ये आपकी बॉडी के अंदर आ गए और ये फटाफट से विद इन हाफ एन आवर ब्लड के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए ये माइग्रेट करके कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये लिवर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये लिवर के अंदर एंटर कर जाते हैं। यू आर एबल टू सी दैट ओवर हेयर इज द लिवर, राइट। तो लिवर के अंदर माइग्रेट कर चुके हैं और लिवर का जो आपके पास में स्मॉलेस्ट सेल होता है, लाइक लिवर बहुत सारे सेल्स का बना होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर, मैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिवर के सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और लिवर के सेल्स आपके पास में क्या होते हैं, उनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स। तो लिवर के सेल्स का नाम क्या होता है, हिपैटोसाइट्स होता है लिवर के सेल्स का नाम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू जस्ट कमेंट डाउन इन द in the section below, like what is the structural and functional unit of liver, it is not the hepatocyte, right? So yahan par I'm leaving you with a question, structural and functional unit of liver, yes, let's just move forward. अब ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये अब लिवर के अंदर आ चुके हैं और लिवर के कहाँ पर एंटर कर चुके हैं, लिवर के सेल्स में एंटर कर चुके हैं, जिनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स, विच आई एम शोइंग यू ओवर हियर इज। तो यहाँ पर वो स्पोरोजोइड यहाँ पर आ चुका है, ये रहा वो स्पोरोजोइड यहाँ पर आ चुका है। अब ये स्पोरोजोइड क्या करेगा, यहाँ पर ये स्टार्ट करेगा क्या, मल्टीपल फिजन शुरू करेगा, ये अपने अंदर ही अंदर लगातार रैपिडली मल्टीप्लाई करता रहेगा और अपनी कॉपीज़ बनाता रहेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता रहेगा और एक क्लोन बनाता रहेगा अपने। तो यहाँ पर ये क्या स्टार्ट कर देता है, मल्टीपल फिजन स्टार्ट कर देता है और ये कौन एंटर कर चुका है, अंदर की तरफ में एंटर कर चुका है स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट एंटर कर चुका है लिवर के सेल्स के अंदर और अब ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अब स्टार्ट करेगा यहाँ पर मल्टीपल फिजन और मल्टीपल फिजन चालू करेगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, यस एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर और अंदर की तरफ में यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फिजन से फॉर्मेशन करेगा एक दूसरे अपने रूप का, ये अपने दूसरे रूप का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में क्या कर रहा है, लगातार मल्टीपल फिजन कर रहा है और ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वेरी इंपॉर्टेंट शाइजोंट, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है, शाइजोंट। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ह्यूमन के अंदर जो मल्टीपल फिजन चलता है हम उसको शाइजोगोनी बोलते हैं, वी विल डेफिनेटली नेम दैट ओवर हेयर कि ये कौन सी शाइजोगोनी है, राइट। मगर यहाँ पर इसने स्पोरोजोइट ने लगातार क्या चालू कर दिया है, मल्टीपल फिजन चालू कर दिया है और एक स्ट्रक्चर को जन्म दिया है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट। अब ये साइज में इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये लिवर के सेल्स को फाड़ देता है, हेपेटोसाइट्स को बस्ट कर देता है और जैसे ही हेपेटोसाइट बस्ट होते हैं जिसके साथ में ये आपका और क्या बस्ट हो जाता है, ये शाइजोंट भी बस्ट हो जाता है इसके साथ। शाइजोंट के बस्ट होने से यहाँ पर बाहर की तरफ में निकलता है आपके पास में इसका दूसरा रूप, प्लाज्मोडियम का दूसरा रूप ये निकले बाहर की तरफ में, यस। तो यहाँ से ये बाहर की तरफ में निकले हैं, इनका नाम होता है क्रिप्टोजोइड्स। तो इन्फेक्शियस स्टेज क्या थी, स्पोरोजोइड, और स्पोरोजोइड माइग्रेट करके लिवर में आ चुके हैं, लिवर के सेल्स के अंदर लगातार मल्टीपल फिजन कर रही है और मल्टीपल फिजन करके उसने शाइजोंट का फॉर्मेशन किया और शाइजोंट के बाद में वो फटने के बाद में लिवर सेल्स फट गया और शाइजोंट फट गया, वहाँ से क्या बाहर निकले, वहाँ से एक नया रूप बाहर निकला जिसका नाम क्या होता है, क्रिप्टोजोइड्स। नाउ अब ये क्रिप्टोजोइड्स के पास में दो ऑप्शन होते हैं कि वो लिवर के अंदर ही लगातार क्या करते रहे, इस साइकिल को कंटिन्यू रखें, लिवर के अंदर लगातार इस साइकिल को कंटिन्यू रखें और लगातार क्रिप्टोजोइड्स का फॉर्मेशन करते रहें, फर्दर जो अगली साइकिल में बनेंगे उनका नाम होगा मेटाक्रिप्टोजोइड्स, राइट। तो लगातार ये अपनी साइकिल को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उस साइकिल को, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, फिर आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं, शाइजोंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन कर रहे हैं और फिर हेपेटोसाइट को बस्ट करके फिर से किसी लिवर सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। मगर कुछ क्रिप्टोजोइड्स क्या करते हैं, वो फिर से ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, फिर से वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं कुछ क्रिप्टोजोइड जो आपके पास में होते हैं, और ब्लड के अंदर एंटर करके वो अपना अगला शिकार बनाते हैं हमारी बॉडी के कौन से सेल्स की तरफ में, वो अपना अगला शिकार बनाते हैं बॉडी के वेरी इंपॉर्टेंट आरबीसी के अंदर, राइट। और यहाँ पर
इट इज़ वर्थ टू मेंशन दैट कि यहाँ पर जो ये साइकिल चल रही है, जो ये लिवर सेल्स के अंदर लगातार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, यस इट्स अ शाइजोगोनी, मगर लिवर ये आरबीसी के बाहर चल रहा है, राइट? आरबीसी के अंदर भी शाइजोगोनी चलेगा, वी विल डेफिनेटली सी दैट इन अ मिनट। तो आरबीसी के अंदर भी क्या चलेगा? मल्टीपल फिजन चलेगा, शाइजोगोनी चलेगा, मगर यहाँ पर जो शाइजोगोनी हो रही है ये लिवर के सेल्स के अंदर शाइजोगोनी हो रही है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे एग्जो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। क्या मतलब है इसका? एग्जो मतलब बाहर की तरफ में, इरेथ्रोसाइटिक मतलब आपके पास में क्या हो गया? आरबीसी, और शाइजोगोनी इज द मल्टीपल फिजन इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ये जो शाइजोगोनी चल रहा है, ये जो आपके पास में क्या चल रहा है, मल्टीपल फिजन चल रहा है, ये आरबीसी के बाहर चल रहा है, राइट? अभी आरबीसी के अंदर भी शाइजोगोनी चलेगा, वी विल डेफिनेटली सी दैट इन अ मिनट। ओके, अब यहाँ से माइग्रेट करके वो कहाँ पर आ चुके हैं? वो आरबीसी के अंदर आ चुके हैं, एंड वी विल डेफिनेटली सी दैट कि अब आरबीसी के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक आरबीसी को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, और उस आरबीसी के अंदर देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो ये एंटर कर चुका है किसके अंदर? क्रिप्टोजोइट एंटर कर चुका है आरबीसी के अंदर, एंड लेट्स सी कि आरबीसी के अंदर वो क्या कर रहा है। अब आरबीसी के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ पर वो क्या करता है, RBC के अंदर यू ऑलरेडी नो दैट कि RBC के अंदर एक प्रोटीन होता है क्वाटरनरी लेवल का, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये क्वाटरनरी लेवल का एक प्रोटीन है, ये 4 डिग्री लेवल का एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, विच इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, द हीम पार्ट, द आयरन पार्ट, ऑब्वियसली हीम पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो एक प्रोटीन का पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है? ग्लोबिन। तो हीम पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? ग्लोबिन पार्ट हो गया, प्रोटीनेशियस पार्ट। अब ये जो आपके पास में क्रिप्टोजोइड एंटर करा है अंदर की तरफ में, वो फीड करेगा इस ग्लोबिन वाले पार्ट पे, वो फीड करेगा इस प्रोटीनेशियस पार्ट पे, ग्लोबिन वाले पार्ट पे, और अब उसका नाम पलट जाएगा, ये रहा, और अब ये फीड करेगा उस ग्लोबिन वाले पार्ट पे, और अब इसका नाम है ट्रोफोजोइड, बिकॉज ये फीड करेगा, ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन, ये फीड करेगा इस ग्लोबिन वाले पार्ट पे, प्रोटीनेशियस पार्ट पे, एंड वी विल डेफिनेटली सी कि इस हीम पार्ट का क्या होगा थोड़ी सी देर में। तो ग्लोबिन वाले पार्ट पे क्या करेगा? फीड करेगा ट्रोफोजोइट, और साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट विल फीड ऑन द ग्लोबिन वाला पार्ट, और साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर वैक्यूल का डेवलपमेंट हो जाएगा, वैक्यूल के अंदर ही अपना खाने को क्या करेगा? स्टोर करेगा वैक्यूल के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे इसके अंदर वैक्यूल का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, वैक्यूल डेवलपमेंट, और ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये कुछ आपके पास में ऐसा दिखने लग जाएगा, जिसके अंदर वैक्यूल ये रहा इसके अंदर वैक्यूल, और वैक्यूल होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो कोने में शिफ्ट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस कोने में शिफ्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, ये ट्रोफोजोइट की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो आपको आरबीसी के अंदर दिखाई देती है, और इस स्टेज का नाम होता है सिग्नेट रिंग स्टेज। इस स्टेज का नाम क्या है? सिग्नेट रिंग स्टेज। एंड राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू आर एबल टू सी द सिग्नेट रिंग स्टेज अंडर द माइक्रोस्कोप इन अ रियल आरबीसी। सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि डॉक्टर्स मलेरिया का पता करते हैं, अगर इसको मलेरिया है या फिर नहीं है, इसी स्टेज को देखकर, उनके पेशेंट के आरबीसी को एग्जामिन करके, पेशेंट के आरबीसी को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके, कि सिग्नेट रिंग शेप स्टेज दिख रही है फिर नहीं दिख रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेज इज यूज इन द डिटेक्शन टेस्ट ऑफ द मलेरिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो है आपके पास में ट्रोफोजोइट है, अब ये चालू करेगा इस आरबीसी के अंदर ही दोबारा से मल्टीपल फिजन, और अब जो ये मल्टीपल फिजन हो रहा है आरबीसी के अंदर हो रहा है, राइट? तो इस मल्टीपल फिजन को, ये जो मल्टीपल फिजन होगी अभी, इस मल्टीपल फिजन को हम लोग बोलेंगे इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, क्योंकि अब ये आरबीसी के अंदर हो रही है, और जो इससे पहले आपके पास में लिवर के अंदर हो रही थी, हमने उसको क्या बोला था? एग्जोरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, मतलब आरबीसी के बाहर। और अब जो शाइजोगोनी हो रही है, अब जो मल्टीपल फिजन होगा ट्रोफोजोइट के अंदर, वो होगा आरबीसी के अंदर ही, इसलिए हम उसको नाम क्या देंगे? हम उसको नाम देंगे इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। और यहाँ पर दोबारा से शाइजोंट का फॉर्मेशन ही होगा, राइट? तो यहाँ पर
दोबारा से मल्टीपल फिजन चालू हो चुका है और उस मल्टीपल फिजन के अंदर लगातार बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है एक नए रूप का, प्लाज्मोडियम के नए रूप का, और उस नए रूप का नाम है आपके पास में मीरोजोइट्स। एंड राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू आर एबल टू सी दैट द शाइजोंट इनसाइड द आरबीसी कि उसके अंदर बहुत सारे आपको मल्टीपल फिजन से जनरेट हुए मीरोजोइट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है दोबारा से एक शाइजोंट का, और अब ये साइज में इतना बड़ा हो जाएगा कि दोबारा से ये उस आरबीसी को क्या कर देगा, बस्ट कर देगा। ये इस आरबीसी को बस्ट कर देगा, और जैसे ही आरबीसी यहाँ पर बस्ट होगा वो शाइजोंट भी बस्ट हो जाएगा और उसके अंदर से बाहर की तरफ में निकलेंगे अगला रूप दैट वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ। ये है अगला रूप, इसका नाम है मीरोजोइट। सो रिमेंबर दैट कि मॉस्किटो ने जब बाइट किया था तो स्पोरोजोइट एंटर करा था, मॉस्किटो ने जब बाइट किया था तो क्या एंटर करा था, स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट लिवर के अंदर चले गए थे और लिवर के अंदर जाकर वहाँ पर क्या बने थे, क्रिप्टोजोइट बने थे। क्रिप्टोजोइट आपके एंटर करा था आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर एंटर करते ही क्रिप्टोजोइट से किसका फॉर्मेशन हुआ था आपका, ट्रोफोजोइट का। येस, वेरी गुड, ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन हुआ था। और ट्रोफोजोइट के बाद में सिग्नेट रिंग स्टेज आई थी, और ट्रोफोजोइट के बाद में जब ट्रोफोजोइट के अंदर शाइजोगोनी हुई है आरबीसी के अंदर, तो वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है मीरोजोइट का। नाउ ये जो मीरोजोइट बने हैं इनके पास में दो ऑप्शंस हैं कि ये जो मीरोजोइट हैं ये एंटर कर जाते हैं एक फ्रेश आरबीसी के अंदर, या फिर इनके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जनरेट हो सकते हैं ऐसे सेल्स के रूप में, जो सेल्स आगे जाकर फॉर्मेशन करेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट का, और ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को बोला जाता है गैमीटोसाइट। एंड राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू आर एबल टू सी द गैमीटोसाइट कि ये दिखता कैसा है आपके पास में माइक्रोस्कोप के अंदर। तो रिमेंबर, गैमीटोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो बाद में जाकर मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे, गैमीटोसाइट्स गैमीट्स नहीं होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, गैमीटोसाइट्स का ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है, और अभी मेल और फीमेल गैमीट बने नहीं है, अभी खाली किसका फॉर्मेशन हुआ है, गैमीटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ लास्ट थिंग इन द ह्यूमन साइकिल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ मैंशनिंग दैट कि इस हीम वाले पार्ट का क्या हुआ है। अब ये जो हीम वाला पार्ट था, इसका क्या होता है, यहाँ पर जब ये ट्रोफोजोइट साइज में बड़ा हो रहा होता है तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, और वो वेस्ट मटेरियल इस हीम के साथ जुड़ जाता है, और हीम के साथ जुड़ने के बाद में यहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम होता है हीमोजोइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ओवर हियर। तो यहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन बनता है जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हीमोजोइन। और जब आरबीसी बस्ट होता है ये हीमोजोइन आरबीसी से बाहर निकलता है हमारे ब्लड के अंदर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट कि यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है जो मलेरिया के अंदर हमें फीवर आता है, जो चिल्स लगते हैं, जैसे कपकपी चढ़ती है, तो यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के अंदर चिल्स और किसके लिए, फीवर के लिए।